गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक टी टाइम केक है जिसे कि आप अपनी शाम की चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी चॉकलेट वॉलनट केक। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस ये केक बनकर तैयार होता है। तो छोटा सा वीडियो है, तो इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और अगर मेरी रेसिपीज, मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दिस चॉकलेट वॉलनट केक। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये 8 इंच का राउंड केक टिन। इसको मैं अच्छे से थोड़े से रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लूंगी और फिर इसमें मैं लगा दूंगी पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर लगाने की वजह से एक तो केक टिन से चिपकता नहीं है, दूसरा बहुत ही आसानी से टिन से निकल आता है। तो मैंने पार्चमेंट पेपर को टिन की साइज में ही काट कर इसमें लगा दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। और अब एक मिक्सिंग बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी 1 कप मैदा, साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप डार्क कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से इसका जो फ्लेवर है वो और इन्हांस हो जाता है। अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे और इसको छानने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और वेट इंग्रेडिएंट्स की तैयारी कर लेते हैं। तो वेट इंग्रेडिएंट के लिए सबसे पहले एक बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया है 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप किसी भी न्यूट्रल फ्लेवर वाले रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 अंडा, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और आखिरी में मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप दूध। दूध एकदम रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ना ही गर्म ना ही ठंडा। अच्छे से इन सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से आपस में कंबाइन ना हो जाए। और ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे आपने ऐड करना है और साथ में मिक्स भी करते जाना है ताकि कोई लंप ना बने। एक अच्छे केक को बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स का सही प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स या स्पून्स नहीं है तो आप किसी भी कप या बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी कप या बोल से अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करके डालना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप गर्म पानी। एकदम गर्म पानी डालना है आपने इसमें, ये कोको पाउडर को ब्लूम करने में हेल्प करेगा और केक में बढ़िया सा क्रस्ट भी आएगा। अच्छे से इसको भी हम बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। और क्योंकि हम एक वॉलनट केक बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप चॉप्ड वॉलनट्स। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच मैदा। अब सारे अखरोट के पीसेस को हम इस मैदे से अच्छे से कोट कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम इसे बैटर में ऐड करेंगे तो ये नीचे सिंक नहीं होंगे, नीचे की तरफ नहीं बैठेंगे, अच्छे से पूरे केक में स्प्रेड हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे बैटर में ऐड कर देते हैं। तो वॉलनट केक बनाते समय आपने इस स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपने अखरोट को अच्छे से मैदे से कोट करके ही फिर बैटर में ऐड करना है। तो एक छोटा सा टिप है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। तो चलिए, इन अखरोट के पीसेस को भी हम बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार है, हमारा केक टिन भी रेडी है। तो चलिए अब इस तैयार किए हुए बैटर को हम केक टिन में डाल देंगे। तो अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इस केक को बनाएंगे तो आप भी एक परफेक्ट चॉकलेट वॉलनट केक बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने सारे बैटर को इस केक टिन में ट्रांसफर कर दिया है। और बैटर को केक टिन में डालने के बाद अब हम इसे इवनली पूरे केक टिन में स्प्रेड कर लेंगे। बस हल्का सा टैप कर ले और ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। और ऊपर से अब हम थोड़े से चॉप्ड वॉलनट्स और डाल देंगे। ऐसा करने से ना केवल ये दिखने में अच्छा लगता है बल्कि खाने में भी बहुत ही क्रंची, बहुत ही बढ़िया लगता है। और अभी बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने पहले ही अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक के लिए प्रीहीट कर लिया था। और अब हम इसे हल्का सा टैप करेंगे ताकि अगर बीच में कोई एयर बबल हो तो रिलीज हो जाए। और अब हम इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 25 से 30 मिनट तक के लिए बेक कर लेंगे। बेकिंग टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कम्प्लीटली आपकी केक टिन और अवन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, 30 मिनट हो चुके हैं मेरे केक को बेक होते हुए, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो इसको चेक करने के लिए बीच में मैं डाल दूंगी एक टूथपिक और देखिए, ये बिल्कुल साफ निकल आया है। तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, इसे मैं अवन से निकाल लूंगी और इसे काउंटर में शिफ्ट कर लूंगी। और अब हम इसे करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे इस केक टिन से बाहर निकालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये केक टिन की साइड छोड़ देगा और इसे निकालना आसान हो जाएगा।
तो देखिए 10 मिनट के बाद मैं एक चाकू से जेंटली इसके साइड्स को स्क्रेप करूंगी, फिर एक प्लेट पर इसको उल्टा करके इसे केक टिन से बाहर निकाल लूंगी। 5 मिनट पेपर लगे होने की वजह से ये बहुत ही आराम से केक टिन से बाहर निकाला आएगा। और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। बटर पेपर को मैं निकाल दूंगी और ये हमारा चॉकलेट वॉलनट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसके स्लाइसेस काटने से पहले आपने केक को अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही आपने इसके स्लाइसेस काटने हैं, वरना स्लाइसेस जो है वो ठीक से नहीं कटेंगे, टूटने लगेंगे। तो चलिए इसको हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो आप इसे अपने मनपसंद साइज या शेप पे काट कर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मुझे पूरा यकीन है खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा। तो चलिए इसके स्लाइसेस भी कट चुके हैं और अब ये हमारा केक सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे अपनी शाम की चाय या कॉफ़ी के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए इसे बनाना भी कितना आसान है, झटपट ये केक बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों को भी ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो एक बार आप भी इस केक को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। तो देखिए एकदम परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक बनकर तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है। तो मैं फटाफट इसे टेस्ट कर लेती हूँ और बताती हूँ कि कैसा बना है ये हमारा केक। और वाकई में ये केक बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है और इसमें चॉकलेट और वॉलनट का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम कमाल का है, बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर्स हैं। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो, आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में इसे शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।